Hello, wonderful learners. This is your learning buddy, Aprajita, with your class 8, Jelly Bean Journeys in Social Studies by Brain Root Series. And children, let's start chapter number 6 of Geography today. Chapter ka naam hai Industries. To aaj hum padhenge industries ke baare mein. Sum and substance. What are manufacturing industries? अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जहाँ पे चीज़ें बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, वो क्या हैं और उनका क्लासिफिकेशन. फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड वैल्यू एडिशंस. रिट्रीव, लुक एट द पिक्चर एंड कैटेगराइज देम टू द इंडस्ट्री दे आर एसोसिएटेड विद. यहाँ तीन पिक्चर्स दिए गए हैं आपको, ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड हैं. तो पहले हमें चैप्टर पढ़ना होगा, इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या है ये इंडस्ट्रीज़ और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं. देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट डाउन द इंडस्ट्रीज दे आर एसोसिएटेड विद. ये कौन सी इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है ये हम चैप्टर पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर चिल्ड्रन. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. द टर्म manufacturing refers to the conversion of raw materials into articles of utility. अब manufacturing का मतलब क्या होता है कि raw materials को किसी article में, किसी object में convert करना या बना देना जो कि usage के, जिसका कि कोई use हो, okay? जो कि utility का सामान हो. For example, the conversion of iron ore into tools and implements, cotton into cotton textiles, gold into gold jewelries and wood pulp into paper. अब examples क्या हैं, iron ore को convert करके उसको tools बनाया जाता है, उससे उसके implements बनाए जाते हैं, tools and implements. And cotton को किस में convert किया जाता है, cotton textiles में. Gold into gold jewelries, jewelries बनती हैं gold की, और wood pulp से paper बनता है. Manufacturing thus creates wealth by adding value to the primary products and converting them into useful goods. All these processes fall under the secondary occupations. अब ये सारा जो process होता है manufacturing का, ये किसके अंदर आता है, secondary occupations के अंदर. Look, this is an industry. An industry is an economic activity that deals with large scale production of goods with the help of machines and various other services. अब एक industry क्या है, industry क्या होती है, ये एक economic activity होती है जो कि किससे deal करती है, large scale में production करती है. industry में क्या होता है, large scale में production होता है, किसका, goods का, और machines की help से होता है. ओके, मशीन्स की हेल्प से लार्ज स्केल में गुड्स बनाए जाते हैं और दूसरी सर्विसेज भी होती हैं. द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आर अ फ्यू एग्जांपल्स. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू वैल्यूएबल गुड्स एंड दस एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको, जो कच्चा माल होता है उसको किस में कन्वर्ट करती हैं, वैल्यूएबल गुड्स में, जिनकी की वैल्यू होती है, जो कि वैल्यू ऐड करती है उस प्रोडक्ट को. इट इज़ हेल्पफुल इन जनरेटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. इससे यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं. रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, टोटली जो लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं वो कम हो जाते हैं. It contributes to the eradication of poverty, जो गरीबी है वो कम होती है. Export of manufactured goods earns valuable foreign exchange. और जो goods क्या होते हैं, export होते हैं, हमारे देश से दूसरे देश में जाते हैं, उससे valuable foreign exchange आता है. It is important for the economic development of the country. The economic prosperity and standard of living of the people depends upon the development of manufacturing industries. Manufacturing industries के development पे economic prosperity जो है और जो standard of living है वो depend करता है. Industries are classified on the basis of their size,
रॉ मटेरियल्स यूज्ड एंड प्रोडक्ट्स एंड ओनरशिप। अब देखिए, इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा सकता है किन बेसिस पे, एक तो उनकी साइज पे, प्लस जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स यूज किए जा रहे हैं किस तरह के हैं उस पर डिपेंड करता है, एंड प्रोडक्ट क्या निकल के आ रहा है और ओनरशिप किसकी है, इट डिपेंड्स ऑन ऑल दीज फैक्टर्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, इंडस्ट्री इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज, अभी हमने पढ़ा किसके बेसिस पे होता है, साइज के बेसिस पे, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, देन बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड बेस्ड ऑन आउटपुट। अब साइज के बेसिस पे क्या क्या है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ये है साइज इंडस्ट्री का। साइज कैसे कैसे होते हैं, एक लार्ज स्केल होती है, स्मॉल स्केल होती है, मीडियम स्केल होती है और कॉटेज इंडस्ट्री होती है। देन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स के बेस पे कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। देन ऑन बेस्ड ऑन ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, वो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज या कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइज। नाउ बेस्ड ऑन आउटपुट, बेसिक इंडस्ट्रीज या कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। फाइन चिल्ड्रन, दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अब हम इसको थोड़ा एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। Industries can be classified on the basis of money invested, the number of people employed, the quantity of production. Industries को classify किया जा सकता है कि उसमें कितना money invest किया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि कितने लोग काम कर रहे हैं उस industry में, कितने लोग employed हैं, और quantity of production कितना है, कितने amount में production हो रहा है। Large scale industries, these industries are capital intensive, they utilize heavy machinery, consume a lot of power and employ numerous skilled laborers. ab jo large scale industries hoti hain usme ek to heavy machineries chalti hain, fir bahut sara power use hota hai un machines ko chalane ke liye, bahut badi matra mein kya hota hai, skilled laborers jo hain unko लगाया जाता है काम में, दे वर्क हेयर। रॉ मटीरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वराइटी ऑफ सोर्सेज और आर इवन इम्पोर्टेड, जो रॉ मटीरियल्स है वो बहुत अलग अलग सोर्सेज से आता है या इम्पोर्ट भी होता है। प्रोडक्शन इज ऑन अ लार्ज स्केल एंड केटर्स टू अ नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। अब ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो नेशनल लेवल पर भी मिलता है लोगों को और इंटरनेशनल लेवल पे भी जाता है। टेक्नोलॉजी इज स्पेशलाइज्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये तो हो गया लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ लेट्स रीड अबाउट द मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। These industries are comparatively lesser capital investments. These industries use comparatively lesser capital investments. यहाँ पे capital investment थोड़ी कम amount में होता है. Employ lesser number of people, लोग भी कम employ किए जाते हैं, and have a lower volume of production. Production भी lower volume का होता है. Examples of such type of industries are the machinery manufacturing industry, electrical industry, etc. See, this is machinery manufacturing industry, jahan machineries ban rahi hain. Then comes the small scale industries. These industries employ some labor and use power driven machineries. Ab small scale industries mein thodi si labor lagti hai aur kuch power driven machineries use hoti hain. Raw materials are obtained from outside and products are sold in the local as well as outside markets through traders. Ab raw materials kahan se aata hai, bahar se aata hai, outside, and products jo sell kiye jate hain wo local market mein aur bahar ke outside markets mein traders jo hai wo leke jate hain, wo sell karte hain.
Now, they play an important role in the developing countries, providing employment to a large section of the population. Products of small-scale industries include textiles, ceramics, toys, leather, goods, foodstuff, furniture, and electronics. These are all small-scale industries. See, this is a small-scale industry. Now comes the cottage industries. These industries employ members of different families using hereditary skilled craftsmanship to produce various household products or things used in other industries. अब ये जो cottage industries होती हैं, यहाँ कैसे members employ किए जाते हैं, जो अलग अलग families के जिनकी hereditary चली आ रही है, push दर push जिनका काम skilled craftsmanship चला आ रहा है, और वो क्या produce करते हैं, household products या वो products जो कि दूसरी industries में use होते हैं. Examples, pottery, handicrafts, handlooms, etc. This is a cottage industry. Look, people are making basket making ho rahi hai yahan, pottery chal rahi hai yahan pe. Okay, now classification on the basis of raw materials. Ab raw materials ke basis pe isko kaise classify kiya jata hai? Depending on the type of raw material used, we have the following industries. Ab raw materials ke basis pe kaun kaun si industries hoti hain? Agro based industries. These industries involve the processing of agriculture produce. इसमें कौन सा चीज़ प्रोसेस की जाती है? इसमें agricultural produce जो होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है. Some examples of these industries means agro-based industries include, अब इसमें कौन कौन सी आती हैं? Sugar mills, cotton textile mills, food processing units, meat processing units and dairy plants. Okay, next is the marine based industries. These industries are based on marine organisms. An example of this is fish industry. Dekhiye ye marine, kyunki kahan se pakadte hain ise, jitne bhi water bodies hain wahan se pakdi jati hai. To this is marine based industry, that is the fish industry. Fine. Now interpretation. In India, the fish production has increased from 0.75 mm tons in 1950 to 51 to 14.73 mm tons in 2020-21. देखिए पहले कितना था 0.75 mm tons, उससे बढ़ के अब कितना हो गया 14.73 mm tons. The growth has specially accelerated after 2000 mainly due to inland fish production. 2000 के बाद ये जो ग्रोथ हुई है इसमें फिश प्रोडक्शन में किस लिए हुई है? ड्यू टू द इनलैंड फिश प्रोडक्शन. फाइन. नाउ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. दीज इंडस्ट्रीज सिग्निफाई द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. यहाँ कौन से प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाता है जो फॉरेस्ट से आते हैं? फॉर इंस्टेंस, वुड इज मेड इन टू पेपर और टिम्बर कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पजेज. अब देखिए वुड भी हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से. और टिम्बर भी कहाँ ग्रो करता है? फॉरेस्ट में. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेजिन्स, गम्स एंड टर्पेंटाइन. ओके, दिस इज अ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज. देखिए वुड, लॉग्स, जो ट्रीज कट होते हैं उनके जो लॉग्स आते हैं वो आते हैं इस फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में. Next comes the mineral based industries. These industries include the manufacturing of minerals obtained through mining and drilling. Mining or drilling से जो भी minerals मिलते हैं उससे क्या होता है इस industry में manufacture किया जाता है minerals को. Petrochemical industries, iron and steel plants and aluminium units are some examples of these industries. Animal based industries. अब क्या है ये animal based industries? The raw material of these industries are obtained from animals. अब इस industry का जो raw material है वो कहाँ से आता है? Animals से. Such as hides of animals for leather industry,
लेदर इंडस्ट्री के लिए हाइड्स ऑफ एनिमल्स, देन वूल ऑब्टेन फ्रॉम शीप फॉर वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देन सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वर्म्स फॉर द सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मिल्क फ्रॉम काउज फॉर द डेयरी इंडस्ट्री एक्सेट्रा. दिस इज सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री. देखिए वो वीव किया जा रहा है सिल्क को. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफाई कैसे किया जाता है. दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज बेस्ड ऑन हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. किसकी ओनरशिप है. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. अब ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होते हैं. This is owned by a private individual or a partnership of private individuals. अब ये जो private sector enterprise है इसकी ownership किसके पास होती है. Private individual या partnership होती है private individuals की. The private owners make all the capital investment in it. और इसमें investment invest कौन करता है. यही जो private owners होते हैं वो capital invest करते हैं. The profits derived from the sale of industries output belong to the individual who owns the manufacturing unit. और इससे जो भी profit होता है इसके sale से, sale of industrial goods, तो इसका जो output आता है, जो भी profit आता है वो किसको जाता है. वो उस individual को जाता है जिसकी ये manufacturing unit है. The Tata Iron and Steel Company TISCO or the Ford Motor Company are two such examples. Okay, these are private sector industry enterprise. Now comes the public sector enterprise. This is owned by either the central or state governments. Ya to ye central government ho karti hai ya state government karti hai. The government makes all the investments in the units. Sara investment jo hai wo government karti hai. Marketing of goods produced is also through government agencies. और goods जो बनते हैं उसकी marketing वो भी कौन करता है. Government agencies ही करती हैं. The Bharat Heavy Electricals Limited BHEL is a public sector unit. कैसा unit है ये. एक public sector unit है BHEL. Now children, the joint sector enterprise. What is this? This industry is owned and managed jointly by the government and an individual or individuals. ये industry ये own कौन करता है और own और manage की जाती है jointly government और individual के द्वारा. The amount of investment and share of profits depends on the level of involvement of both sides. अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है कौन कितना इन्वेस्ट करेगा या जो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स है वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है दोनों पार्टीज में से. किसका कितना इन्वॉल्वमेंट है उतना ही उसको प्रॉफिट मिलेगा या उतना ही वो इन्वेस्ट करेगा. इन इंडिया सम पेट्रोकेमिकल यूनिट्स आर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड which is a joint venture of the Indian government and the Suzuki company of Japan. ये दोनों का joint venture है Maruti Suzuki. Now comes the cooperative sector enterprise. A group of individuals pool resources to set up and manage an industrial venture on a cooperative basis. अब cooperative sector enterprises में क्या होता है. एक group इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है वो पूल करते हैं सारे रिसोर्सेस को एक साथ इकट्ठा करते हैं और मैनेज करते हैं कि इंडस्ट्रियल वेंचर एक कोऑपरेटिव बेसिस पे इंडस्ट्रियल वेंचर करने की. ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव. जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है वो जितने मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव के उनमें शेयर हो जाता है. मैनी टेक्सटाइल यूनिट्स फंक्शन एज कोऑपरेटिव. बहुत सारे टेक्सटाइल यूनिट्स जो हैं वो एज अ कोऑपरेटिव वर्क करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सच एज कैरा मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन एंड सेकेंडली प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सच एज कैपेक्स केरला स्टेट कैश्यू वर्कर्स एपेक्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कैपेक्स. ओके. Now the classification on the basis of output. Output के basis पे classify कैसे किया जाता है.
At times, the nature of product also determines the type of industry. जो product का nature है वो भी determine करता है, उस पर भी depend करता है कि किस type की industry है वो. Basic industries. These industries produce material which in turn are used by other industries. For example, the iron and steel industry makes steel for further use in the automobile and heavy machinery industries. अब देखिए, जो iron and steel industry है वो क्या बनाती है? Steel बनाती है. और उस steel को further कहाँ use किया जाता है? Automobile में और heavy machinery industries में. Fine? तो वो किसी दूसरे industry को भी help करती है अपने products से. Consumer goods industries. These industries manufacture goods that are ready for direct consumption. अब ये जो consumer goods industries हैं, ये वो goods manufacture करती हैं जो कि ready for direct consumption होता है. Direct consumption के लिए बिल्कुल तैयार होता है. Watch making, electronic goods unit, textile mills and pharmaceutical plants are examples of such type of industries. Now comes the factors influencing the location of industries. जो industries की location होती है उस पर कौन कौन से factors का influence होता है. The factors affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market. अब जो availability है industries, जो factors affect करते हैं उसके location को, वो depend करता है availability of या तो raw material, इन सब चीज़ों की availability पे depend करता है. Industries are situated where some or all these factors are easily available. Sometimes the government provides incentives like subsidized power, lower transport cost and other infrastructure so that the industries may be located in backward areas. Kabhi kabhi government kuch incentives provide karti hai, jaise ki subsidized power deti hai, local lower transport cost pe kuch transport available karwati hai aur other infrastructures also, jisse ki backward areas mein kuch industries locate ki jaye. Industrialization often leads to development and growth of towns and cities. और इस industrialization से कभी कभी क्या होता है? Towns और cities का growth होता है और उनका development होता है. Now let's do the spot inspect, some questions. Define private sector enterprise. अभी हमने पढ़ा private sector enterprise के बारे में, आपने अभी पूरा define किया गया है, तो just read it out again and write it down. What are the types of industries depending on the raw material used? अब जो raw material use किया जाता है उस basis पे जो types of industries हैं वो क्या क्या हैं? They are the agro based industries, they are the agro based, okay, then marine industries, then comes the mineral industries, mineral based, agro based, marine based, mineral based, and what else? Animal based. And one more is there, that is the forest based. Okay, now children, give examples of forest based industries. The forest based industries are wood industry, plywood industry is there. Then what else? It's the furniture industry, then the rubber industry. These are all forest based industries. Now name the four major industrial regions of the world. The four major industrial regions of the world are North America, then Western Europe, Eastern Europe, and East Asia. Okay, children? And what is manufacturing? Just now we have read about manufacturing. Go through it and write it down. Now, the AI facts.
AI, particularly machine learning, analyzes production data to identify inefficiencies and optimize manufacturing processes. Next comes the value addition. Humans use their skills and technology to convert natural resources into goods of greater value. अब humans क्या करते हैं, अपने skills लगाते हैं, अपनी technology को use करते हैं और natural resources जो हैं उसको convert कर देते हैं उन goods में जिनकी और greater value होती है, value और बढ़ जाती है जिनकी. This is known as value addition. इसको कहते हैं value addition, which is an important factor for the growth of an economy. Value addition leads more to income. For example, if we export cotton, अब देखिए example देखिए इसका value addition कैसे होता है. अगर हम cotton export करते हैं, which is a primary product, cotton क्या है, एक primary product है, and if we export it, then what will happen? It will not hold much value as it is a raw material. क्योंकि एक raw material है तो इसकी value इतनी ज़्यादा नहीं होगी. But if instead we export fashionable cotton clothes, then greater value is added to cotton. लेकिन इसी cotton की जगह अगर हम fashionable cotton clothes बना के उसको export करते हैं तो क्या होगा, इसमें value add हो जाएगा cotton में. Okay? So this is the addition of value. Industrial system. An industrial system consists of inputs, processes and outputs. The inputs are the raw material. Inputs क्या होते हैं, अब industrial system में inputs होते हैं, processing होती है और output आता है. Input तो है raw materials, labor and cost of land, transport power and other infrastructure. ये तो हो गए inputs. The processes include a wide range of activities that convert the raw material into finished products. Processes में क्या आता है, एक बहुत सारी वाइड रेंज की एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा उस रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है. द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट. अब जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, जो एंड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट फाइनली बन के आता है और उससे जो इनकम होती है, दैट इज द आउटपुट. ओके, इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स मे बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. अगर हम बात करते हैं किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो उसका इनपुट्स में क्या क्या आएंगे, कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. द प्रोसेसेस इंक्लूड, अब उसकी प्रोसेसिंग में क्या होगा, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग. द आउटपुट इज द शर्ट यू वेयर. आप जो शर्ट पहनते हैं या कोई भी क्लॉथ आप जो पहनते हैं उसका, वो है उसका आउटपुट. फाइन, तो आपको तीन चीजें समझ में आ गई, एक इंडस्ट्रियल सिस्टम में कौन कौन सी तीन चीजें होती हैं. नाउ इंडस्ट्रियल रीजन्स. एन इंडस्ट्रियल रीजन इज एन एरिया वेयर देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. एक इंडस्ट्रियल रीजन वो एरिया है जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज होती हैं. Such a region has number of infrastructural facilities such as, अब यहाँ क्या क्या facilities available होती है क्योंकि बहुत सारे industries हैं यहाँ, such as water, labor and power supply, transport and communication network, market, banks and financial services. ये सारी facilities इस industrial region में होती हैं. There are four major industrial regions in the world. अब चार industrial regions, main industrial regions कौन से हैं, Eastern part of North America, then Western and Central Europe, Eastern Europe, Eastern Asia. India has eight industrial regions. India mein eight industrial regions hain. Kaun se? They are Mumbai Pune region, then Hooghly Basin region, Bengaluru Tamil Nadu region, Gujarat region, Chota Nagpur Plateau region, Vishakhapatnam Guntur region, Gurugram Delhi Meerut region, कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन, अहमदाबाद वडोदरा रीजन. फाइन, दीज आर द एट इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया. सी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स एंड सिटीज ऑफ इंडिया. इन दिस मैप यू कैन सी इट वेरी क्लियरली. नेक्स्ट,
Let's read the catalog, children. Ceramics. What are these ceramics? Brittle, heat resistant and corrosion resistant materials that made by shaping and firing a non-metallic material such as clay. Cottage industries, small household enterprises in rural areas involving family members. Agro-based industries, industries using agricultural products as raw materials, example, textiles. Marine-based industries, industries that use raw materials from oceans and seas. And raw materials, a material or substance used in the primary production or manufacturing of a good. This often includes natural resources. Now, a look over to this chapter, what we have read in this chapter. The technique of converting raw material into articles of utility is termed as manufacturing. Fine? Isse kehte hain manufacturing. Factors influencing location of manufacturing industries are availability of raw material, power supply, availability of labor, transport, market, capital, water supply, land. On the basis of size, industries can be classified into large scale, medium scale, small scale, cottage industries. There are four major industrial regions in the world: Eastern North America, Western Europe, Eastern Europe and Eastern Asia. An industrial region is an area where there is a high concentration of industries. Fine, children. Now let's move towards the estimation column. Choose the correct option. An example of a consumer goods industry is the petrochemical industry, iron and steel industry, electronic goods industry, Tata iron and steel industry. It is the electronic goods industry. Dash is not a product of cottage industry. Inme se kaun sa product jo hai wo cottage industry ka nahi hai? Automobiles, basket, potteries, textiles. It is the automobiles. Which type of industries are Tesco and Ford Motor industries? Private sector, public sector, cooperative sector, joint sector. They are private sector. Sugar mill is an example of dash industry. Marine based, agro based, mineral based, forest based. It's agro based. These industries manufacture resins, gums and turpentine. Forest based industries, marine based industries, agro based industries, mineral based industries. They are the forest based industries. Fine, children. Now let's move further. So children, now let's do the fill in the blanks. Small industries play an important role in the dash countries. Okay, here it is countries. So small industries play an important role in the developing countries. Developing countries. Fine. The term dash refers to the conversion of raw materials into utility articles. The term manufacturing. Manufacturing. Fine, children. The dash industries involve the processing of agricultural produce. The agro-based industries. The agro-based industries involve the processing of agricultural produce. On the basis of dash, industries can be classified into private, public, joint or cooperative sector enterprises on the basis of ownership. On the basis of ownership. Dash is an example of a large scale industry. Automobile manufacturing. Automobile manufacturing is an example of a large scale industry. An industrial system consists of dash, dash and dash. It consists of inputs, processes and output. Fine, children?
ओके. डैश ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू, सो वी राइट हियर इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. Textile industry is a mineral based industry. This is false, children. Cement industry is a small scale industry. No, this is also false. Write down F here. Marine based industries consume raw materials from forests. No, false. Then joint sector industries are jointly owned by the government and the individuals. Yes, this is true. Manufactured goods are more valuable than the original raw materials. Very true. Write down T. Raipur Jabalpur is a major industrial region in India. False. Small scale industries consume small amount of raw materials, capital, power. Yes, true. Small scale industries consume small amount of raw materials, capital, power. Yes, this is true. So write down T here. So children, here we end up with the chapter. Keep learning. Read the chapter again, फिर से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ में आएगा. And thanks for watching the video. We'll meet soon with a new chapter. Till then, stay happy, stay blessed. Bye.